जब कोई नई हैबिट या बिहेवियर डेवलप करने की बात होती है तो लोग जो कहते हैं और जो करते हैं वो उतना ही अलग होता है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अलग है। सबको पता है कि एक एप्पल खाना चिप्स खाने से कहीं हेल्दी है, पर ज्यादातर लोग एप्पल से ज्यादा चिप्स खाना पसंद करते हैं। सबको पता है कि एक्सरसाइज करना, टाइम पे अपना काम खत्म करना और काम रहना एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पर ज्यादातर लोग इन सब चीजों को कंसिस्टेंटली करने में स्ट्रगल करते हैं। जब बात होती है अपने को स्मार्टर, फास्टर और बेटर बनाने की, तो हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए, हम बस वो करते नहीं है। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों हम जानते हुए भी बेनिफिशियल बिहेवियर्स को फॉलो नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे टैक्टिक्स जिससे आप किसी भी बिहेवियर को ना सिर्फ इजिली शुरू कर सकते हैं पर सक्सेसफुली सस्टेन भी कर पाएंगे। पहले हम देखेंगे कैसे आप किसी भी नए बिहेवियर को एफर्टलेसली स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसा करने में कई बार फेल हो चुके हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए अनप्लेजेंट से अनप्लेजेंट टास्क कर सकते हैं जो उसे अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाई बुक टूकर्स, वेलकम टू योर चैनल जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं बिग और बोल्ड आइडियाज ब्रिलियंट बुक से सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स जो आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम कितनी भी यूनिक क्यों ना लगे, चांसेस हैं एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम ना सिर्फ किसी ने फेस की है बल्कि उसको सक्सेसफुली सॉल्व भी किया है, बस सिर्फ आपको सही बुक का पता होना चाहिए जिसमें इसके बारे में लिखा गया है। अगर ये आपको एक्साइटिंग लगता है तो फॉलो जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारी आज की बुक हाउ टू चेंज के अकॉर्डिंग हमारी इम्पल्सिस हमारे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है, पर सोल्यूशन इम्पल्स फ्री होना नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं मशीन्स नहीं। सोल्यूशन अपनी इम्पल्सिस को अपने फेवर में यूज करना है। इस बुक को लिखा है केटी मिल्कमैन ने, जो एक रिसर्चर और वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में साइंस ऑफ बिहेवियर चेंज पढ़ाती हैं। लेट्स स्टार्ट बाय गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, हम क्यों एक्शंस नहीं ले पाते जो हम जानते हैं कि हमें लेने हैं वो हासिल करने के लिए जो हमें चाहिए। मशहूर स्टैनफर्ड साइकोलॉजिस्ट एल बंड्यूरा का कहना है कि ये इसलिए नहीं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है बल्कि इसलिए है कि हमारे पास अपनी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने की मोटिवेशन की कमी है, जिसे सेल्फ एफिकेसी की कमी भी कहते हैं। सेल्फ एफिकेसी है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि आप कितना अपने बिहेवियर, मोटिवेशन और सोशल सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो पर आपने कभी भी एक कंप्लीट मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि आप उसे शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका कोई कुलीग इंपॉर्टेंट ऑफिस मीटिंग्स में कभी कोई सजेशंस नहीं देता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सजेशंस को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। रिसर्च इस टॉपिक पर एकदम क्लियर है, जब आपको यकीन नहीं होता कि आप चेंज हो सकते हैं तो आप कभी चेंज नहीं हो पाते। ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से। अब सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? इसका जवाब है लॉरेन वॉकर की एक फैसिनेटिंग रिसर्च में। किसी भी बिहेवियर जिसे करने में आप सक्सेसफुल नहीं हैं उसके बारे में आप अपनी बेस्ट एडवाइस देना शुरू कर दीजिए उन लोगों को जिन्हें ये एडवाइस से फायदा होगा। मतलब जिस चीज में हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बारे में सिर्फ एडवाइस देने से हम खुद भी बेटर हो जाते हैं। इतना एफर्टलेस यकीन करना मुश्किल लगता है। इमेजिन कीजिए आप ओवरवेट हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं पर आप रेगुलरली अपनी डाइट या एक्सरसाइज को कंट्रोल नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आपसे वेट लॉस के लिए एडवाइस मांगता है तो ये सिचुएशन आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट दे देती है। एडवाइस देने का ये एक्शन आपका फोकस जो आप जानते हैं और जो आपके कंट्रोल में है उन पे बहुत क्लियर कर देता है, जो एक्शन लेने के लिए सबसे क्रूशल इंग्रेडिएंट्स हैं। पर ये तभी मुमकिन होता है जब आप उन लोगों को एडवाइस देते हैं जो ये एडवाइस जेन्युइनली चाहते हैं। रिसर्च क्लियर है कि एडवाइस तब भी काम करती है जब बच्चे अपने से जूनियर क्लास के बच्चों को स्टडीज में इम्प्रूव करने के लिए एडवाइस करते हैं और ये करने में ना तो आपका टाइम ना पैसा खर्च होता है। करना सिर्फ आपको ये है कि जिस हैबिट को डेवलप करने में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बारे में आप अपनी बेस्ट एडवाइस देने के लिए ओपन रहें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, कैसे आप किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए अनप्लेजेंट से अनप्लेजेंट टास्क कर सकते हैं जो उसे अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है।
आपका हर एक काम, हर एक एक्शन दो ही कैटेगरीज में फॉल करता है। नंबर वन, वो काम जिसे आप इंजॉय करते हैं, फिर चाहे नेटफ्लिक्स देखना, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना मनपसंद खाना खाना। नंबर टू, वो काम जो आप इंजॉय नहीं करते बट फिर भी करने जरूरी होते हैं अगर आपको अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करने हैं। आप फिट और अच्छे दिखना चाहते हैं पर आप रोज जल्दी उठकर जिम में पसीना बहाना नहीं चाहते। आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं पर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के नए सीजन को स्किप नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अपने एम्बिशियस और लॉन्ग टर्म गोल्स को सिर्फ अपने फेथ और विल पावर के दम पर अचीव कर लेंगे पर ऐसा करना रेयरली ही पॉसिबल हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लानिंग ईजी है पर जब काम करने की बात है तो कुछ ना कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। हमें अर्ली मॉर्निंग अपने बेड का कंफर्ट छोड़कर जिम जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम घंटों स्टडीज करने से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। रिजल्ट यूजुअली वेस्टेज ऑफ टाइम और अंडर अचीवमेंट ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लान्स बनाते हुए हम उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को देखते हैं पर उन रिजल्ट्स के लिए जो शॉर्ट टर्म पेन होती है हम वो एंटिसिपेट नहीं कर पाते। हम जल्दी से जल्दी वही चीज़ें करना पसंद करते हैं जिसे हम इंजॉय करते हैं। अपनी इसी टेंडेंसी को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं वो काम करने के लिए जिसे आप बहुत इंजॉय नहीं करते। इस टैक्टिक को टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग होता है जब आप अपनी एक फेवरेट हैबिट, पास टाइम या प्लेजरेबल एक्टिविटी को पेयर करते हैं एक डिमांडिंग बट इम्पॉर्टेंट टास्क के साथ। जब आप एक्सरसाइज करते हो अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हैं, जब आप एक अच्छे स्टडी सेशन के बाद अपना फेवरेट टीवी शो देखते हैं, जब आप एक डिफिकल्ट काम करने के बाद आप अपने आप को ट्रीट करते हैं अपनी फेवरेट डिश से। जो काम इम्पॉर्टेंट बट बोरिंग या डिफिकल्ट है उसे अवॉइड या बेयर करने की बजाय आप इसे गेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हर ऐसे काम को बंडल करके अपने किसी फेवरेट काम के साथ। अचीवर्स भी डिफिकल्ट या बोरिंग कामों को एंजॉय नहीं करते पर वो फिर भी इन कामों को कंसिस्टेंटली करते हैं और टेम्पटेशन बंडलिंग से आपके लिए भी ये पॉसिबल हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए एंड वी विल कंटिन्यू दिस क्वेस्ट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तब तक के लिए हैव फन एंड बी लिमिटलेस।